सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने, और आज सिर्फ घर ही घर का ब्लॉग है। तो आज हम बातें करेंगे सिर्फ घर की। तो आज मैंने मार्केट गया तो भुट्टे नज़र आए मुझे, भुट्टे। तो मैंने सोचा कि भुट्टे उट्टे ले लें, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, मीठे भुट्टे। तो आज बच्चे ट्यूशन गए हुए, वो आएंगे अभी, बस उनका शुरू हो जाएगा। कुछ खाने के लिए दो, खाने के लिए दो, मैं भुट्टे लिए आया हूँ। मैंने कहा चलो भाई दो, आपको कोई भुट्टे पसंद है। कैसे आप लोग हैं? सब आज हम पढ़ा रही हैं घर की रूटीन देख रहे हैं, घर की रूटीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैंने थोड़ी छोड़ तोड़ी है भाई, वो काम कर रहे थे भाई, टूट जाती है भाई, छुरी है भाई, इतने दिनों से चल रही थी वो, अब टूट गई। छुरी और एक माचिस इंसान की जिंदगी की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सब तो खाते नहीं है, आपको हाँ जी, हमारे सब खाते नहीं हैं और दुआ खा लेती हैं। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे सब को क्या मिलेगा खाने के लिए, क्योंकि वो तो चिल्लाएंगे भाई भूख लग रही है, 8 बजेंगे उनको भूख लगनी शुरू हो जाएगी कि भाई भूख लग रही है, भूख लग रही है। चलें देखते हैं भाई हमारे सब के लिए क्या करते हैं। मैक्रोनी बनेगी हमारे सब के लिए, मैक्रोनी खा लेते हैं शौक से, और मैक्रोनी बनाएंगे हम, हलवा भाजी खा लेंगे। तो मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं बनाएंगे, आप ही खाएंगे खाना, गरीबों के साथ ही समझ रहे हो। आप हो ना, आप चिकन खाती हो ना, चिकन के साथ कीमे बना रही हो ना, कीमे चिकन का कीमा और शिमला मिर्च। हाँ जी, हमारी चाची ने अदील साहब को खिलाई थी पंजाब में, और वो बहुत पसंद आई, जब से अदील और दुआ ये सब ये बोलते हैं ये बना। मेरी भाभी ने ये भी बनाई थी घर में, जब भी अच्छी लगी थी शिमला के साथ मुर्गी। भाई बस सबसे अजीब सी लगती है मुझे मुर्गी, मुर्गी नहीं खाता मैं, बीफ बड़े शौक से खाता हूँ, तो मुर्गी नहीं खाई जाती मेरे से ना, मगर इसके साथ अच्छी लगती है, जायका आता है शिमले के साथ। आप लोग भी बनाइएगा, बताइएगा। हाँ, शिमला मिर्च और कीमा और भुट्टे, भुट्टे भुट्टे आ गए भाई, भुट्टे आ गए भाई, वो बड़े महंगे मिल रहे भाई। आज हमने बनाए अभी अभी अमान भी आई थी ट्यूशन से, उनके पेपर होने वाले हैं, ट्यूशन करने गए हैं। हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप बताइएगा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग हमें कमेंट्स करते हैं, हम कमेंट्स करते हैं सबके, और लाइक भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बस कमेंट्स करते हैं, हमें हमारी हमें हमारे सपोर्ट करते हैं, हमें आप लोग इसी तरह हमें सपोर्ट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आगे से आगे बढ़ाएं, और लोगों में भी शेयर करें, ताकि हम अभी नए भी नए हमारे यूट्यूब में हमारा भी फैमिली मेम्बर आप लोग भी बन सकें। हाँ, फैमिली मेम्बर भाई आप लोग बन सकें भाई, और बस सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से। और दिल ने छुरी तोड़ दी, देखें ये देखें, दो टुकड़े छुरी के हुए हैं, और इस छुरी से मैंने ये शिमला बड़ी मुश्किलों से काटी। अब बताएं आप लोग कौन काटेगा इसी छुरी से, मेरे तो हाथ कटते कटते रह गया। अब बताएं, अब ये इससे प्याज कटेगी, ये देखें मैं इसको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ आपके सामने, मैं जुड़ेगी ये जुड़ेगी, फिर निकले जा रहे खुद ही ने तोड़ी हुई, मेरा नाम लगा दिया। अब देखिए ये मैं यूँ कर रही हूँ ना, यूँ ये देखें मैं यूँ कर रही हूँ ना, वो टेढ़ी हो जा रही है, प्याज तो इससे कटेगी नहीं, जाए देख दूसरी लाके दे, छुरी लाना पड़ेगी, देखो कितना जुल्म है छुरी पे मुझ पर, कौन आप पे कैसा जुल्म है बताइएगा। लो अभी चाय मांग रहा हूँ, चाय अभी तक नहीं मिली मुझे, क्योंकि आज उन्होंने छुट्टी करवाई मेरी, नहीं यार आज काम था, तो जिसकी वजह से छुट्टी हो गई, तो बच्चे भी खुश हो गए पापा ने आज छुट्टी कर ली, तो मैंने चलो इसी बहाने ब्लॉग भी बन जाएगा, तो ब्लॉग भी बना लिया, और शाम का सीन देखेंगे क्या होता है,
अमान दो ट्यूशन से आ जाए यार, वो दोनों नहीं आ रहे हैं। अमान को हल्का हल्का सा बुखार भी लग रहा है, मुझे क्या है उसको बुखार हो रहा है। तभी वैसे बहुत वायरस फैला हुआ है, आप लोग भी बहुत एहतियात करते हैं क्योंकि डेंगू बहुत फैला हुआ है। मच्छरों से बचिए, मच्छरों को इलाज दें, क्या करें मच्छरों का कोई इलाज नहीं। आज इनके जेब चाचा को भी डॉक्टर ने बोला डेंगू का, बोला टेस्ट वेस्ट करवाने के लिए, तो देखते हैं। देखने तो देख रहा था क्या हो गया, देखो उसको क्या हो गया, उसको भी पता चलना चाहिए, उसकी तारीफ कर रहे हैं। आयशा बोलेगी कहेगी है मुझे बताया नहीं जेब ने है। कोई बात नहीं, अब हमारी तवज्जो से उसको पता चल जाएगा कि भाई जेब की तबीयत खराब है। उसने अपनी बीवी को नहीं बताया। आप लोग बताइएगा हमारी वीडियो ये वाली कैसी लगी, और इंशाल्लाह आपसे हम नए और ब्लॉग के साथ अपनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग हमें सपोर्ट करें। हाय हाय कर लो यार, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लो इन्हें, प्लीज़ कर ले, सब्सक्राइबर हमारे बढ़ा दें, 1 kg प्लीज़ जल्द से जल्द कर दें। 1K होता है 1 kg चाहिए इन्हें, 1K जल्द से जल्द, 1K होता है इनको, 1 kg चाहिए, कह रहे 1 kg चाहिए, 1K जल्द से जल्द कर दें ताकि हमें भी, हम भी खुश हो जाए आप लोग का प्यार देख के, आप लोग की सपोर्ट देख के हमें भी अच्छा लगे, जल्द से जल्द हमारे भी 1K कर दें। हाँ जी गाइस, बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, तो अमान साहब की तबीयत बुखार हो गया, मैंने अमान साहब को बुखार हो गया, अमान साहब अमान साहब क्या हुआ, ओह अमान साहब को मुंह देखा आप, और दुआ भी तो दुआ दुआ भी तो अपना खापा करने में लगी हुई, मम्मा अमान को दे रही हैं ब्रोफीन, मुन्ना है ना ये, तो मुन्ना छोटा सा मुन्ना है, देखे जी नखरे देखे आप, देखो सब देख रहे हैं अमान, आए अमान ने पी लिया, ओहो अमान ने पी लिया भाई, अमान ने पी लिया, और अमान साहब को अब देखते हैं डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, और सुई लगवाऊंगा मैं अमान साहब, मोटी वाली सुई लगवाऊंगा अमान की, अब मजा आएगा। क्या मांगे जा रहे हैं ये, पकोला जूस, पकोला जूस अम्मा चांटे, चलो खड़े हो जाओ, चलो पकोला जूस का मैंने नहीं बोला, मैंने क्यों, अभी आपको मिलेंगे, इनको मिलेंगे अभी चाय और बिस्किट, जो जब बंदे बुखार होता है उसको मिलते हैं, इनको वही मिलेंगे। दुआ देखें, दुआ हंस रही हैं, दुआ को तो मिलेगा ना सब कुछ खाने के लिए, दुआ हंस रही है, फुल हंस रही है भाई, वो सीधा हो, चलो सीधा हो जाओ बिस्तर पे, हाय हाय अमान तो ना। हाँ जी गाइस, नतीजा ये निकला कि अमान सब सुबह लेकर गए थे स्कूल लॉलीपॉप, वो था खट्टा, जिसकी वजह से आ गया उन्हें उनका गला और इनको बुखार चढ़ गया। ये देखें हालत देखें इनकी, ना कुछ खा रहे ना पी रहे, अभी वो दिए इन्हें ब्रोफीन, अब देखते हैं भाई, तो कहने पापड़ खाऊंगा मैं, मैंने कहा भाई पापड़ नहीं खाऊ, फ्राई लेकर आए हैं, तो वो अब खाना, रात को खाना नहीं है उन्होंने, रोटी खानी नहीं है, तो अब अमान साहब बिल्कुल वो कह रहे पहले जैसे मुझे बुखार चढ़ गया, अब बिल्कुल कमज़ोरी है, अम्मा ने गला मलाया अभी ठीक ठाक कर ठीक ठाक गला मलाया, तो अभी थोड़े बहुत बेहतर हुए हैं ये, तो दुआ करें ये जल्दी से सेट हो जाए भाई, इनका ना तबीयत जब ख़राब होती है ना मज़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक ही हीरो है हमारे पास और एक हीरोइन है ये बैठी हुई, मोबाइल क्या खा रही है दुआ, भुट्टा, मैंने आपसे कहा था ना आएंगे और ये भुट्टा देखेंगे और ये घूम जाएंगे, अब ये खाने लगे भुट्टा। अमान साहब क्या कह रहे हैं आप, अमान साहब अरे कहना क्या चाहते हो, अमान साहब बोल रहे हैं टुन में थकान हो गई, पत्नी कौन कौन से पहाड़ तोड़े हैं उन्होंने जाकर। चलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब लाइक लाजमी कर दीजिएगा, शेयरिंग कर दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह नए ब्लॉग में मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में अल्लाह हाफिज़।